साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। संतोष जी आपका स्वागत है राष्ट्र धर्म में। आपने वो सूची देखी होगी, 12 नाम है जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं और रिटायर्ड जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी। कई ऐसे मसले को लेकर वो पहले इसको लेकर बोल चुके हैं, जैसे कि CAA NRC को लेकर उन्होंने बोला कि देखिए भेदभाव की कोशिश की जा रही है। अब ये जब उन्होंने पत्र लिखा है CJI के पास मामले को लेकर, CJI से अपील की है कि मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्या सरकार फंस चुकी है इस पर? वही जी, बड़े ठंडे और बड़े शांति दिमाग से मैंने सबको सुना है और उम्मीद करूंगा कि हमको भी लोग अच्छे से सुनेंगे। काफी हद तक मैं जो बोलूंगा और जो मेरी सोच है, जो मेरी सरकार की सोच है, रिजवी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े शांति प्रिय तरीके से और बड़े उससे अच्छा कुछ समझाया नहीं जा सकता है। बहुत अच्छे से उन्होंने सरकार के बारे में और सरकार की मंशा के बारे में और मैं जो बोलूंगा उसके बारे में कुछ हद तक उन्होंने बहुत सारी बातें रिजवी साहब ने रखा है। एक संवैधानिक पद पे है, एक पत्रकार है, स्वतंत्र लेखनी लिखते हैं, उन पे किसी का दबाव नहीं है, वो किसी पार्टी या दल के नहीं है। उन्होंने जो बात कही है वो मुझे लगता है कि उनको पता नहीं समझ में आया है कि नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आया। मैं दो चीजें कहूंगा, ये देश संविधान से चलता है और सरकारें अगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो उसके पास प्रूफ एविडेंस प्रॉपर रहता है तो ही सरकार कोई कार्रवाई करने जाती है। सरकार कहीं नहीं फंसी है मोहित जी, सरकार ने नोटिस दिया है, सरकार ने बकायदे लीगल काम किया है और लीगल तौर पे ही ये सारे कार्रवाई हो रहे हैं। बिल्कुल कहीं से किसी को मन में ये भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके पहले की सरकारें थी जो काम करती थी और जो काम करती थी तो माफियों को, गुंडों को, बेईमानों को, चोरों को दे दिया था कि लो भाई लूटो खाओ, कहीं भी घर बना लो, किसी का जमीन कब्जा कर लो, हम तुमको जैसे रहे हो तो वैसे रहने देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन मोहित जी अभी सरकार के पास प्रॉपर प्रूफ है, प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर सिस्टम के साथ ही कार्रवाई हुई है, कहीं किसी के मन में कोई संदेह होना है। अभी देखिए मैं कोई संतोष जी सवाल मेरा सर यहाँ पर, मैं फंसने की बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए लोगों को ये तक पता नहीं है कि कार्रवाई हुई क्यों है। आप कह रहे हैं कि देखिए अवैध निर्माण था इसलिए कार्रवाई की जा रही है, मोहित विपक्षी दल कह रहे हैं कि देखिए हिंसा में उनका नाम आ गया इसलिए उनका घर गिरा दिया। राजू साहू जी ने बात कही, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, मैं बहुत ज्यादा कानून के बारे में नहीं जानता हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात का उनके जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अक्यूज कोर्ट में जेल में बंद है और उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको मौका नहीं दिया जाता, तो आप मुझे ये बताइए अगर वो एक्यूज जब तक नहीं छूटेगा, या वो 302 307 का मुजरिम है, उम्र कैद की उसकी सजा हुई है, वो जब तक नहीं आएगा तो क्या हुआ? लीगल तौर पे प्रॉपर्टी या सरकार की प्रॉपर्टी लेके बैठा रहेगा? उसको छोड़ देगी सरकार? कार्रवाई नहीं करेगी? हमने जो कुछ भी काम किया है, जो कुछ भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है वो बिल्कुल सही किया है और एक एक तथ्य। संतोष जी मेरा सवाल नहीं समझे, सवाल मेरा ये है संतोष जी, क्या ये हिंसा की कार्रवाई थी या फिर वो निर्माण जो था वो अवैध था उस वजह से कार्रवाई थी? क्योंकि इस बात में लोग फंसे पड़े, विपक्ष भी सवाल इसी बात को लेकर पूछ रहा है कि देखिए हिंसा में नाम है इसलिए, आप कह रहे कि अवैध निर्माण था, ये मसला है क्या? दोनों चीजें मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी का घर गिराया जा रहा है तो वो अवैध निर्माण होगा, इसलिए भी गिराया जा रहा है। अगर कोई बदमाश है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट के तरह आता है, दंगाई है, मासूम लोगों को सामने करके, मासूम लोगों को भड़का करके उत्तर प्रदेश को जलाने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों का भी घर गिराया जा रहा है। और हमारे समाजवादी के मित्र, हमारे योगेश मिश्रा जी नसीहत दे रहे थे हमको, योगेश यारों में एक एक करके नसीहत दे रहे थे कि अखिलेश जी ने ये बोला, अखिलेश जी ने ऐसा कहा, अखिलेश जी ने संविधान की मर्यादा, अखिलेश जी को पहले अकल सिखाइए, अकल पूरे भरे सदन में जिसको बोलने आपके का विधायक है संतोष जी, संतोष जी बीजेपी के विधायक है देवरिया से, उनकी बात में करना चाह रहा हूँ। वीडियो ट्वीट करते हैं वो बोलते हैं कि शुक्रवार के बाद देखिए शनिवार आता है कार्रवाई होती है, बुलडोजर को लेकर भी वो यही बात कह रहे हैं और कुछ बच्चों के साथ में मारपीट की तस्वीरें सामने आई जो ऐसा प्रतीत होता है किसी थाने के भीतर की है, यानी कि हिरासत में अगर किसी को पकड़ लिया गया उनके साथ मारपीट की जा रही है, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। तो क्या इन मसलों पर योगी सरकार फंस चुकी है, बैकफुट पर आना पड़ेगा? मोहित जी बिल्कुल सरकार नहीं फंसी है, जो गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई सुनिश्चित होगी, वो चाहे कोई भी होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, सरकार बिल्कुल कानून के दायरे में, मानवाधिकार के दायरे में रहकर काम करेगी, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार को नीति दुश्मनी किसी से नहीं है,
संदेह होता है ना संतोष जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए हिंसा से भी जोड़िए इसको और बात में उससे भी कहते हैं कि अवैध निर्माण है। संतोष जी मैं आपके पास पहुंचूंगा, योगी जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, राज साहू जी के पास भी पहुंचना मेरे को। योगी जी एक सेकंड जी, एक सेकंड समय लूंगा। ये वही लोग हैं, ये वही तथाकथित लोग हैं, आपने इसके पहले एक अवार्ड वापसी वाले गैंग आए थे फिल्मी दुनिया से, अवार्ड वापसी का गैंग चला हुआ था, और ये वही लोग हैं जो एनआरसी के विरुद्ध और सीएए के विरुद्ध जो प्रदर्शन, वही लोग, इनका काम है, इनका काम है पिटीशन दाखिल करना, इनका काम है कोर्ट में जाकर के उलझ पुलझ बातें करना, देश के खिलाफ बोलना, इस सिस्टम के खिलाफ बोलना, सब ये वही लोग हैं। और मुझे किसी के सपा और बसपा और किसी पार्टी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हमारा प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है, देश बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी चिंता छोड़ दीजिए, सरकार करेगी।